स्वागत है आप सभी का हम कौन ऑफिशियल चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटे को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बयान को लेकर गोदी मीडिया काफी हल्ला मचाई हुई थी, क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने भगवा धारियों और गोदी मीडिया और दलाली मीडिया और बिकाऊ मीडिया को तगड़ा झटका दे दिया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के 15 मिनट वाले बयान को लेकर और भाजपा भगवाधारी और बीजेपी से डरने वाली बात को लेकर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर 2 केस दर्ज किए थे, जो पुलिस ने खारिज कर दिए। पुलिस ने कहा कि हमने अकबरुद्दीन अवैसी साहब के उर्दू वाले बयान को हमने उर्दू में तर्जुमे फिर से करवाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए, हिंदी में ट्रांसलेट कराए और 2 से 4 और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराकर पता लगाने की कोशिश की। हमारे साइबर एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बयान में कोई भी भड़काऊ बयान नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को क्लीन चिट देकर भगवाधारी और दलाली मीडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुबह के वक्त ये क्लीन चिट दी गई, लेकिन अब भगवाधारी, दलाली मीडिया और बिकाऊ मीडिया अब तक ये खबर नहीं चलाए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बयान को लेकर तरह तरह का टाइटल देकर मीडिया में TRP लेकर बड़ा वावेला मचा रहे थे, लेकिन अब जब क्लीन चिट मिली है किसी ने मीडिया में मुंह तक नहीं दिखाया। यही है बिकाऊ दलाली और दल्ले मीडियों का असली चेहरा। मुसलमानों को बस इनको बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। इनके नेता और मिनिस्टर लोग जहरीली और भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तब इनको ये भड़काऊ और दलाली मीडिया को दिखाई नहीं दे। हाल ही में 2 भाजपा के नेता घिनौना हरकत करते हुए पकड़े गए, लेकिन किसी भी दलाली मीडिया ने ये खबर नहीं चलाई। इसीलिए NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार कह चुके हैं कि इन बिकाऊ मीडिया का बायकॉट करके इनके चैनलों को ना देखा जाए, तभी ये इनके चैनलों और इनमें कुछ सुधार आएगी। बने रहें इसी तरह हमारे हम कौन ऑफिशियल चैनल से। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर जो ट्विटर अकाउंट चलाता हो वो इन दलाली और बिकाऊ मीडिया को जरूर टैग करें। इसी के साथ गुड बाय एंड जय हिंद।